खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और अब 100 सेकंड में नजर डालते हैं देश भर में हुए क्राइम की खबरों पर। हीरोइन की शिकायत पर अभिनेता आदित्य पंचोली पर रेप का केस दर्ज। आदित्य पंचोली सफाई में बोले, मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे में मुस्लिम ड्राइवर की पिटाई का मामला सामने आया। जय श्री राम का नारा लगवाने का आरोप, 3 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के फरीदाबाद में कांग्रेस प्रवक्ता विकास चौधरी की गोली मारकर हत्या। जिम के बाहर अज्ञात बदमाशों ने निशाना बनाया, अब तक हत्यारों का सुराग। पंजाब के लुधियाना में कैदियों के 2 गुटों में संघर्ष, 1 की मौत, 35 घायल। एबीपी न्यूज टीम पर दिल्ली के बारापुला इलाके में हुए हमले के आरोप में 2 बदमाश गिरफ्तार। लूट के इरादे से दिया था वारदात को अंजाम। दिल्ली में डबल मर्डर से सनसनी। जैतपुर में 2 महिलाओं का शव मिला, पति बच्चा समेत लापता है। यूपी के हमीरपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से सनसनी। लूटपाट के बाद हत्या करके फरार बदमाश। यूपी के आजमगढ़ में लोगों के आधार के बायोमेट्रिक की क्लोनिंग के जरिए बैंक खातों में सेंध लगाने वाले गिरोह का खुलासा। दिल्ली में बैठे मास्टरमाइंड की तलाश। यूपी के रामपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्रा की पिटाई। मदद मांगने पर स्थानीय लोगों ने बचाया, केस दर्ज। यूपी के सुल्तानपुर में दिन दहाड़े जल निगम के कार्यालय में एक युवक की गोली मारकर हत्या। इससे पहले मृतक के पिता की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आपसी रंजिश में हत्या का शक जताया। हरियाणा के यमुनानगर में दुकानदार पर हुआ जानलेवा हमला। सोने की चेन खरीदने से किया था इनकार, सीसीटीवी में कैद हमले की घटना। बिहार के हाजीपुर में रेप करने का विरोध करने पर 6 दबंगों ने महिला और उसकी मां का सर मुंडवाया, आरोपी गिरफ्तार।